हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ राबिया। बहुत टाइम से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी मैनीक्योर के लिए। मैनीक्योर का अभी तक मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया, तो ठीक है, मैंने सोचा चलो एक वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ मैनीक्योर ही क्यों। मैनीक्योर में तो हम अपने हाथों को सिर्फ ग्रूम करेंगे, लेकिन अगर मैं आपके साथ कोई ऐसा मैनीक्योर शेयर करूँ जिसे आप अपने हाथों की टैनिंग को रिमूव कर सकते हो, हैंड्स की व्हाइटनिंग कर सकते हो, अपने हाथों को बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ, फेयर एंड ब्यूटीफुल बना सकते हो, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, आप अपने घर पर आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने अपने नेल्स पे कोई पुरानी नेल पेंट वगैरह अप्लाई करके रखी है तो उसको निकाल दीजिए कोई नेल पेंट रिमूवर की हेल्प से। उसके बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए। ये थोड़ा सा लूक वार्म की तरफ नहीं, थोड़ा सा हॉट की तरफ होगा तो ज्यादा अच्छा है, जितना आपका हाथ बेयर कर सके। और इतना पानी लीजिए इसमें कि आप अपने दोनों हाथों को इसमें सोक कर सके। फिर इसमें हम डालेंगे एक कप या लगभग पाव लीटर जितना दूध, रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। और ये जो दूध मैं इसमें डाल रही हूँ ये गोट मिल्क है, यानी कि बकरी का दूध है। नहीं मिलता है आपको तो आप नॉर्मल जो दूध आता है, गाय का दूध, भैंस का दूध, जिसका भी आपको दूध मिलता है वो आप इसमें डाल सकते हो। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लो या थोड़ा सा शावर जेल, जो भी आपके पास है वो ऐड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही ऐड करना, क्योंकि दिन भर में जो हमारे हाथ है वो कैसे ना कैसे करके सोप के कांटेक्ट में आ ही जाते हैं, तो ज्यादा इसमें सोप की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा क्लीनिंग के लिए, थोड़ा सा डेड सेल्स रिमूव करने के लिए काम आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके अब अपने हाथों को इसमें डाल दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसमें ऐसे ही रखे सोक करने। मिल्क एक एक्सेलेंट क्लींजर है जिससे आपकी स्किन बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन हो जाती है। इससे आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो टाइट होने लगती है, आपके हाथों में अगर झुर्रियां पड़ गई है तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। मिल्क में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स है जो आपकी स्किन को फेयरर और रेडियंट बनाते हैं अंदर से बाहर से दोनों से। तो मिल्क को पिया भी कीजिए, दूध भी पिया कीजिए। प्लस ये ट्रीटमेंट सन बर्न को दूर करने के लिए, सन टैन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे दूध के जगह पे, अगर आपको दूध नहीं लेना है तो आप इसके जगह पे छाछ यानी कि बटर मिल्क भी ले सकते हो। मैं जो भी प्रोसीजर कर रही हूँ वो सिर्फ एक ही हाथ पे कर रही हूँ, ताकि एंड में मैं आपको बिफोर आफ्टर से अच्छा है कि मैं एंड में आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन या डिफरेंस दिखा सकूं। 10 से 15 मिनट तक अपने हाथों को इसमें डुबो के रखें और उसके बाद अपने हाथों को निकाल दीजिए और अपने हाथों को वॉश कर लीजिए। स्टेपन के बाद ही आपको अच्छा फर्क दिखेगा आपके हाथों में, आपके हाथ जो है वो क्लीन और लाइट दिखेंगे। अब इसके बाद में हम अप्लाई करेंगे स्क्रब और पैक। इसके लिए मैं कोई अलग स्क्रब अलग पैक नहीं बना रही हूँ, आप एक ही चीज बनाओ जो दोनों का काम कर सके। तो इसके लिए आप एक बाउल में 1 चम्मच बेसन लीजिए, 2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मरिक, पिंच नहीं, आप इसमें कम से कम आधा चम्मच टर्मरिक, अच्छा खासा टर्मरिक इसमें ऐड कर दो। 1 बड़ा चम्मच दही, गाढ़ा दही इसमें ऐड करो। 1 लाल बड़ा टमाटर लो, उसको थोड़ा सा कस लो ताकि उसकी प्यूरी निकल जाए, और सिर्फ आधा ही करो, जो बाकी का आधा बच जाता है उसको ऐसे ही रखो, ये आपको आगे काम में आएगा, मतलब यही ट्रीटमेंट में आपको काम आएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो। अब ये हो गया आपका 2-in-1 स्क्रब और पैक रेडी। अब सबसे पहले थोड़ा सा वैसलीन ले लो और इसको अपने क्यूटिकल्स पे और आसपास की स्किन पे थोड़ा सा अप्लाई कर लो, इससे आपके क्यूटिकल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, मॉइस्चराइज हो जाएंगे। अब उसके बाद इस पैक को लेकर अपने पूरे हाथों पे अच्छे से अप्लाई कर लो। इसमें हमने जो बेसन और मसूर की दाल ली है ना, ये दोनों अमेजिंग है टैन को रिमूव करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों एक्सेलेंट स्क्रब का भी काम करेंगे। ये आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। इससे जब हमारी स्किन से डेड सेल्स निकल जाते हैं तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है, पहले से ज्यादा ब्राइट और लाइट लगती है। और बेसन एक ऐसी चीज है जो हमारे घर पे आसानी से मिल भी जाएगा और इससे आपकी स्किन में ग्लो आता है, और प्लस इससे एक इंस्टेंट फेयरनेस भी आता है आपकी स्किन में। और मसूर दाल का भी आप पाउडर बना के रख लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्क्रब है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपके पोर्स को टाइटन करता है, जिससे आपकी स्किन टाइट होती है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है और स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है। और इसको अप्लाई करने के बाद आप वेट करो 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद जो टमाटर हमने आधा छोड़ दिया था उसी टमाटर से इसको अपने पूरे हाथ पे अच्छे से रब करो। और हल्दी, दही, टमाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी स्किन से टैनिंग को झट से दूर करता है और आपकी स्किन में ग्लो ऐड करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। तो इसी से आपके हैंड्स की व्हाइटनिंग हो जाती है। और आप चाहो तो ये पैक को फेस पे भी यूज कर सकते हो, टैनिंग रिमूव करने के लिए, डार्क स्पॉट्स रिमूव करने के लिए, ग्लो ऐड करने के लिए, बहुत अच्छी रेमेडी है ये। कुछ देर तक इसको अच्छे से स्क्रब करो, अगर आपका पैक जो है वो बच जाता है तो उसको लेके आप अपने हाथों से उसको स्क्रब कर सकते हो। तो कुछ देर तक स्क्रब करो अच्छे से, और उसके बाद जो दूध का पानी हमने लिया था शुरुआत में उसी में ही अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लो, और फिर अपने हाथों को पानी से वॉश करो। इससे आपके हाथों में आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा। और उसके बाद अगर आप नेल्स कट करते हो तो उसको नेल कटर की मदद से काट लीजिए,
नेल फाइलर की हेल्प से अपने नेल्स को आप डिजायर्ड शेप दे सकते हो। फिर क्यूटिकल पुशर की मदद से आप अपने क्यूटिकल्स को पुश कर सकते हो। अगर क्यूटिकल पुशर नहीं है तो एक कॉइन लेकर आप अपने क्यूटिकल्स को थोड़ा सा हल्के हल्के से पुश कर सकते हो। और उसके बाद जो भी आप नेल पेंट वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड यस, दैट्स इट। यहाँ पे आपका जो मैनिक्योर है वो कंप्लीट होता है। इससे आपकी हैंड्स की टैनिंग भी चली जाएगी, आपकी हैंड्स की व्हाइटनिंग भी होगी। आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हो। आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो शायद से ऐसे आपको दिख रहा होगा। एनीवेज, जैसे आप देखो, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं कैमरा कैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोनों हाथों में बहुत डिफरेंस है। आप इस हैंड व्हाइटनिंग मैनिक्योर को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। इससे आपकी टैनिंग भी चली जाएगी, और अगर एक बार में नहीं जाती है तो 2-3 बार आप इसको कर सकते हो। आपकी टैनिंग कम्प्लीटली चली जाएगी, आपके हाथ जो है वो पहले से ज़्यादा लाइट, फेयर, स्मूथ और ब्यूटीफुल महसूस करेंगे। सो येस, दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।